हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो एक बायोमेट्रिक डिवाइस है सिक्योर आई का FB3K, उसके अंदर हम जो रिपोर्ट निकालनी होती है वो रिपोर्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या प्रोसेस कर लेनी चाहिए, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ये जो आपको सामने सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है इसका नाम ऑन टाइम है। ये सॉफ्टवेयर जब आप बायोमेट्रिक डिवाइस परचेज करते हैं तो उसके साथ में लाइसेंस आता है फॉर लाइफ टाइम के लिए। तो जो इसकी स्टार्टिंग की सारी प्रोसीजर है कि इसको रजिस्टर्ड कैसे करना है, लाइसेंस कैसे करना है, डिटेल कहाँ पे डालनी है, क्या डालनी है, ये सब काम कंपनी वाले आपको करके देते हैं। आपको जो इसका टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करना होता है और वो आपको सारी चीज़ें क्या कर देंगे, कॉन्फिगर करके दे देंगे। आप टोल फ्री नंबर इंटरनेट से निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी सपोर्ट कॉल का नंबर दिया होता है, वहाँ से भी बात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको वो नहीं बताने वाला हूँ कैसे रजिस्टर करना है, वो सब तो आपका ऑनलाइन वो कर देंगे। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो बायोमेट्रिक डिवाइस था इसमें हमने हमारे सारे एम्प्लॉय के पंच क्या कर दिए, लगा दिए हैं, और अब हमें सारे क्या करने हैं, इसके अंदर डाउनलोड करने हैं, उसकी रिपोर्ट चेक करनी है कि कौन कब आया था, कब गया था, हमें सारी चीज़ें इसमें क्या करनी है, देखनी है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इसको प्ले करूँ और आगे चलें, पहले मैं आपको समझा दूँ कि हम अभी किस कंडीशन में खड़े हैं। अभी मेरी कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया है कि जो डिवाइस था उसके ऊपर सारे एम्प्लॉय के पंच लगा दिए हैं, एम्प्लॉय रेगुलर क्या लगा रहे हैं, पंच लगा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, उसकी रिपोर्ट को डाउनलोड करके निकालना है ताकि हम चेक कर सकें कि महीने में कौन कितने बजे आया था। ठीक है, तो इसके लिए मैं प्ले करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि हमें क्या करना होता है। सबसे फर्स्ट काम हमारा ये होता है कि हमें चेक करना है कि जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है ये आपकी एक दूसरी मशीन पर इंस्टॉल होगा और जो मशीन है आपकी कहीं और लगी होगी, तो उस मशीन को आप लैन केबल के थ्रू, वाईफाई के थ्रू अपने नेटवर्क से क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मेरे ये जो सॉफ्टवेयर जिस मशीन में इंस्टॉल है, ये मेरा कंप्यूटर अलग है और मेरी बायोमेट्रिक मशीन दूसरी जगह लगी हुई है और दोनों आपस में एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। अब हमें इसके आगे क्या करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको प्ले करता हूँ और आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारा ये मशीन है जो उससे कनेक्टेड है कि नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर होम पे जाएंगे, जहाँ पे होम दिख रहा है, होम पे जाते हैं, ऊपर मिल रहा है हमारे को डिवाइस, ये डिवाइस सेटिंग जो दिख रही है ऊपर के ऊपर, आपको वहाँ जाना है हमारे को। ये डिवाइस पे गए, डिवाइस के अंदर आए, यहाँ पे हम राइट लगाएंगे और हम डिवाइस स्टेटस पे क्लिक करेंगे। देखो अभी मैंने रोक लिया 2 मिनट के लिए, ये दिख रहा है आपको डिवाइस स्टेटस कि हम कहाँ गए थे, होम पे गए, होम पे जाके हमने डिवाइस सेटिंग पे क्लिक किया और वहाँ पे डिवाइस पे क्लिक किया और यहाँ पे हमें हमारा एक डिवाइस दिख रहा है। ठीक है, लेकिन दिख तो रहा है पर हमें पहले कनेक्टिविटी चेक करनी है कि ये जो हमारे लैपटॉप है, जो हमारा जिसमें सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, वो हमारी बायोमेट्रिक मशीन से कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने अभी वही चेक करूँ, मैंने यहाँ पे राइट लगाया है और मैंने डिवाइस स्टेटस पे क्या कर दिया है, क्लिक कर दिया है चेक करने के लिए कि ये कनेक्टेड है या नहीं है। तो ये मैं क्लिक करता हूँ तो देखो, अगर ये ग्रीन आ जाता है दैट मीन्स आपका जो ये लैपटॉप है वो आपके बायोमेट्रिक मशीन से कनेक्टेड है। जैसा कि मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि इस लैपटॉप को मैंने किससे, लैन केबल से मैंने क्या कर रखा है, बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है, मेरा लैपटॉप वाईफाई से जुड़ा हुआ है और दोनों सेम नेटवर्क के अंदर है, एक ही प्रीमिसेस के अंदर। ठीक है, तो ये ग्रीन आ गया मतलब आप उस मशीन से क्या हो, कनेक्टेड हो। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, अगर ये ग्रीन आ गया दैट मीन्स मैं उससे कनेक्टेड हूँ, मैं आगे के प्रोसेस कर सकता हूँ। अब जो इसका सेकेंड प्रोसेस है, सेकेंड प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि हमारे जितने भी एम्प्लॉय के हमने बायोमेट्रिक लगाए थे वो सारे हमारे को क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड करने। तो ये आपको हर बार करना पड़ेगा, जितनी बार आपको रिपोर्ट निकालनी है उतनी बार आप पहले कनेक्टिविटी चेक करेंगे, उसके बाद सारे पंच डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम रिपोर्ट क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो तीन प्रोसेस में ये काम क्या होता है, कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप पहले कनेक्टिविटी चेक करनी है, सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि भाई सारे डाउनलोड जो पंच है वो डाउनलोड हुए या नहीं हुए, और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम रिपोर्ट निकालेंगे। तो अब हम करते हैं पंच को डाउनलोड करने का काम। उसके लिए क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, डाउनलोड पंच जो दिख रहा है हमें ये वाला, यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते मैंने एक बार रोक लिया इसको, तो देखिए हमारी मशीन का नाम आ रहा है यहाँ पे, उसका IP आ रहा है, तो हमें यहाँ पे राइट लगाना है ताकि हम हमारा जो डिवाइस है हमें बता देगा हमें किसके लिए पंच डाउनलोड करने हैं। यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है, कहाँ से कहाँ तक के लिए आपको पंच क्या करने हैं, डाउनलोड करने हैं। पंच का मतलब जितने लोगों ने उस मशीन पे बायोमेट्रिक लगाया है हमें वो डाउनलोड करने हैं सारे के सारे। ठीक है, तो मैं प्ले कर दिखाता हूँ कैसे किया। तो यहाँ पे राइट लगाया है,
यहाँ पे मैं टाइम मेरे हिसाब से सेट कर लूँगा जिस टाइम का मुझे चाहिए, जैसे मेरे को 1 मार्च का चाहिए तो मैंने 1 मार्च सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे डाउनलोड करना चालू कर दूंगा। ठीक है, तो अभी तक जो तारीख मैंने सेलेक्ट करी है, जहाँ पे मैंने एंड किया है, उस तारीख तक जितने भी एम्प्लॉय ने पंच किया है उन सब के पंच यहाँ पे मेरे को क्या हो जाएगा, वो डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, इसको पूरा होने देना है, हमें इसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं करना है, इसको पूरा होने। देखिए 80 पंच डाउनलोड कर लिए, ओके कर देंगे, इसको यस कर देंगे, तो अभी हमारा ये सेकंड स्टेप ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। हमने क्या कर लिया है, सारे के सारे पंच क्या कर लिए, डाउनलोड कर लिए। तो वही मैंने जो कहा था, आपको याद होगा कि हमें रिपोर्ट निकालने के लिए 3 स्टेप करना है, जिसमें हम 2 स्टेप कर चुके हैं। पहली स्टेप हमने मशीन की कनेक्टिविटी चेक करी, वो आ गई। दूसरी स्टेप अगर हमें क्या करना है कि पंच डाउनलोड करना है, हमने वो भी कर लिया। अब तीसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारा रिपोर्ट निकालेंगे कि हमारे कितने भी एम्प्लॉय हैं, वो कब कब आए थे, कब कब गए, कि उनका इन टाइम क्या है, आउट टाइम क्या है, सारा निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसके जो पहले वाला जो प्रोसीजर सारा, कि मैंने कैसे पंच किया, वो पंच कैसे करते हैं, अगर आपको ये भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप लिख के बताइएगा, तो मैं आप उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा एक अलग से सेपरेट, जिसे बता दूंगा कि आप मशीन पे कैसे पंच आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं मेरे तीसरे स्टेप की तरफ। तो देखिए रिपोर्ट निकालने के लिए क्या करना है, हमें रिपोर्ट पे जाना है और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए कैसा निकालना है हमारे को रिपोर्ट, मंथली वाइज जैसा भी है आप वो चूज़ कर सकते हैं। लोग मोस्टली लोग मंथली निकालते हैं, मंथली सेलेक्ट कर लिया, फिल्टर बाय में मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे वापस मैंने थोड़ा सा पॉज कर दिया समझाने के लिए, यहाँ आपको वापस क्या करना है, डेट निकली कि कहाँ से कहाँ तक की हमारे को रिपोर्ट चाहिए, उसको सेलेक्ट कर लें आप। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, कोई कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सारे रिपोर्ट 1 बाय 1 करके यहाँ से जनरेट करके चेक कर सकते हैं। आपको जो रिपोर्ट फॉर्मेट आपको रिक्वायरमेंट है, आप वैसा उसमें क्या कर लें, रिपोर्ट निकाल के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको दिखाता हूँ कैसे निकाली मैंने रिपोर्ट। मैंने परफॉर्मेंस रजिस्टर निकाला है और जनरेट कर देता हूँ। जनरेट करने के बाद कुछ इस तरह की रिपोर्ट मेरे पास आएगी। यहाँ पे देखो आपको दिख रही है किस तरह से रिपोर्ट आ रही है, कि उसका इन टाइम क्या था, उसका आउट टाइम क्या था। ठीक है, सारी चीज़ें काफ़ी सारे जो हमें बेसिक एक ऑफिस में रिक्वायरमेंट पड़ती है, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे क्या हो रही है देखने को मिल रही है, उन्होंने कब के कौन कितनी बजे आया था, सारी चीज़ें। ठीक है, और ये आपका एक पेज, अगले पेज पे जाना, आप अगले पेज पे जा सकते हैं। आप इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, पीडीएफ के अंदर। आपको डायरेक्ट प्रिंट करना है, आप डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो इससे हम बहुत ही ईजी तरीके में क्या कर सकते हैं, हमारे सारे एम्प्लॉय के अटेंडेंस को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं मॉडल नंबर वापस से बता दूं, ये जो मॉडल नंबर है वो हमारा है सिक्योर आई का FB3K मॉडल है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।